हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ठाकरे सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एसएससी जेडी कांस्टेबल में कितनी पोस्ट आई है, नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल काल है, या फिर सिलेबस क्या होगा, या फिर फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक लास्ट डेट है। फ्रेंड्स, पूरा डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बट फ्रेंड्स, हमारा फोकस होगा इस वीडियो का कि सिलेबस की, सिलेबस में फ्रेंड्स क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या इसमें मतलब चैप्टर आने वाले, जैसे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी। फ्रेंड्स, यहां पर 25,271 नंबर ऑफ वैकेंसी में फ्रेंड्स पोस्ट देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए तो अनुमान था कि लगभग 40,000 से 45,000 का मतलब फ्रेंड्स वैकेंसी आने वाली थी, बट फ्रेंड्स यहां पर सिर्फ अभी 25,271 ही वैकेंसी देखने को मिल पा रही है। फ्रेंड्स, आपने बट देखा होगा नोटिफिकेशन में कि सीआरपीएफ की एक भी पोस्ट नहीं है। फ्रेंड्स, वो बहुत ही शॉकिंग वाली बात है कि सीआरपीएफ की एक भी पोस्ट नहीं है। बट फ्रेंड्स, कुछ विशेषज्ञों से बात करने के बाद पता चला है कि फ्रेंड्स नंबर ऑफ मतलब जो वैकेंसी है कुछ समय के बाद बढ़ भी जाती है। तो फ्रेंड, ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद वहां पर आपको सीआरपीएफ और फ्रेंड दूसरी भी मतलब पोस्ट में आपको वैकेंसी बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्रेंड 25,271 ही वैकेंसी आई हुई है अभी। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, 17 जुलाई 2021 से मतलब फ्रेंड्स आज से ही इसका फॉर्म भरना फ्रेंड्स स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, लास्ट डेट की बात करते हैं तो 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट। फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे सिलेबस की ओर की सिलेबस में फ्रेंड्स सबसे पहली बात आ रही कि रीजनिंग। रीजनिंग फ्रेंड्स आपको 25 मार्क्स की देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसमें रीजनिंग में कौन-कौन से टॉपिक से आपको मतलब कौन-कौन से टॉपिक से पढ़ना है, या फिर कौन-कौन से फ्रेंड्स आपके सिलेबस में रीजनिंग के जो टॉपिक है दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग में कौन-कौन से टॉपिक है, या फिर फ्रेंड्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्रेंड्स मैंने प्रोवाइड करा दिया। तो वहां से फ्रेंड्स आपको रीजनिंग का जो टॉपिक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखते हैं कि फ्रेंड्स मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक इसमें फ्रेंड्स कवर किया गया है, और फ्रेंड आपकी मैथ्स और रीजनिंग मिला के फ्रेंड्स 50 मार्क्स का आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका मेन फोकस जो होना चाहिए रीजनिंग और मैथ्स में फ्रेंड्स अच्छी खासी अगर पकड़ है तो आप 50 में 50 भी ला सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही मैं चलिए इसका देख लेते हैं कि अभी फ्रेंड्स टॉपिक कौन कौन से है मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक आ पा रहे हैं। चलिए, आप इसका भी फ्रेंड्स एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं कि जीके की ओर। जीके और जीएस का फ्रेंड, जीके और जीएस से आपका 25 मार्क्स का फ्रेंड पोर्शन कवर कर रहा है, जो कि फ्रेंड्स आप लुसेंट बुक या फिर किसी भी जो जिसमें आपको जीएस और फ्रेंड जीके का फ्रेंड्स एमसीक्यू से भी पढ़ के भी आप फ्रेंड्स इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। पूरा का पूरा फ्रेंड्स लुसेंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जीएस और जीके में देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे आप। फ्रेंड्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बात आती है फ्रेंड कि इंग्लिश और हिंदी का क्या फंडा है, क्या इंग्लिश और हिंदी का। फ्रेंड, यहां पर जनरली फ्रेंड 2018 में भी एग्जाम हुआ था एसएससी जेडी कांस्टेबल का, तो उसमें फ्रेंड्स इंग्लिश में फ्रेंड्स जो ग्रामर है, इंग्लिश में जो ग्रामर है उसी से क्वेश्चन आए हुए थे। और हिंदी की बात करो, हिंदी मीडियम वालों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए मैं फ्रेंड्स इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का मतलब क्या क्या पूछने वाला है। तो आप स्क्रीन पर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ से कवर करता है हिंदी और इंग्लिश से। तो फ्रेंड्स, आप इसका भी साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बात करते हैं फ्रेंड कि नेगेटिव मार्किंग की, क्या नेगेटिव मार्किंग की। फ्रेंड्स, यह पहली बार हो रहा है कि एसएससी जेडी कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग मतलब कि रखा गया है। फ्रेंड्स, इसके पहले 2018 में एग्जाम हुई थी, 2015 में एग्जाम हुई थी, और 2000 फ्रेंड्स इसके पहले भी एग्जाम हो चुके हैं, बट उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिली थी। बट फ्रेंड्स, इस बार आपको 0.25 की फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। मतलब कि यह बोल सकते हैं फ्रेंड कि 1/4 की माइनस मार्किंग है। बोले तो फ्रेंड्स, अगर से आपके 4 क्वेश्चन गलत होते, क्या 4 क्वेश्चन गलत होते, तो आपके एक जो फ्रेंड्स आपका सही क्वेश्चन रहेगा उसका मार्क्स काट दिया जाएगा। मतलब कि देखिए, यहाँ पर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए और फ्रेंड्स आपने 1 क्वेश्चन सही किया था, तो फिर भी आपका एक भी नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। फ्रेंड, इसका भी मार्क्स काट दिया जाएगा। यह होती फ्रेंड निगेटिव मार्किंग। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप एग्जाम में कम से कम फ्रेंड्स आप निगेटिव मार्किंग करें, क्योंकि फ्रेंड्स निगेटिव मार्किंग से बचने का एक ही उपाय है। क्या नेगेटिव मार्किंग से फ्रेंड्स बचने का एक ही उपाय कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। क्या ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रीवियस एग्जाम में क्या पूछा गया फ्रेंड्स वहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि
जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस या हिंदी इंग्लिश में फ्रेंड्स कौन सा टॉपिक सबसे अधिक क्वेश्चन आए, अगर से आप फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेते तो आपको फ्रेंड्स अच्छा खासा अनुमान हो जाता है कि किस वाले पोर्शन सबसे अधिक क्वेश्चन आए, या फिर आपकी तैयारी अभी कहाँ पर कम है, या फिर फ्रेंड्स अगर से आप तैयारी कर रहे तो इसी चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स मैंने मैथ्स और मैथ्स में फ्रेंड्स आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा जब मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे, तो फ्रेंड्स आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि सिर्फ उसमें अर्थमेटिक मैथ्स आ रहा है। क्या अर्थमेटिक मैथ्स? मतलब कि फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर से बात करें कि एडवांस लेवल की मैथ्स, तो फ्रेंड इसमें एडवांस लेवल नहीं आएगा। क्या एडवांस लेवल का फ्रेंड एक भी मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे कि ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री या फिर मतलब कि जो भी फ्रेंड्स एडवांस मैथ्स में होता है वो एक भी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका मैथ्स अगर से बात करते तो मैथ्स में मतलब कहाँ से पढ़ना है सर, तो फ्रेंड्स मैं अभी इसी चैनल पर आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक फ्रेंड्स आपका जो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, फ्रेंड्स शून्यों की संख्या से जो क्वेश्चन आते हैं उनको पूरा बेसिक से बता रहा हूं, तो फ्रेंड्स यहां से आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं फ्रेंड की आपका क्या इसमें फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि 100 मार्क्स आते हैं, क्या 100 मार्क्स का और फ्रेंड्स 100 नंबर का, सॉरी 100 क्वेश्चन देगा और 100 ही नंबर का आपका फ्रेंड्स यह पेपर होता है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड कि आपके टाइम ड्यूरेशन की, क्या टाइम ड्यूरेशन की फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। क्या 90 मिनट आपको फ्रेंड्स दिए जाएंगे, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको फ्रेंड्स टाइम अगर बात करें तो 90 मिनट मिलेगा। चलिए बात करते हैं फ्रेंड कि इसकी सर तैयारी और अच्छे से कैसी करनी, जैसे कि फ्रेंड्स कुछ को डाउट होगा कि सर इसका फिजिकल कब से होगा या फिर इसका जो पेपर कब से स्टार्ट होगा, तो फ्रेंड मैं बता दूं कि इस बार एसएससी विभाग ने फ्रेंड्स कुछ भी मेंशन नहीं किया कि इस एग्जाम का मतलब कब हम लेंगे इस एग्जाम को। तो फ्रेंड्स आपको वैसे बताना चाहूंगा कि कुछ विशेषज्ञों से बात करने के बाद पता चला है कि अभी सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर में फ्रेंड्स फ्रेंड इसकी एग्जाम शायद स्टार्ट हो सकती है, थोड़ा सा उससे और भी आगे जा सकती है फ्रेंड्स, बट आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बट ऐसा मत रखिए कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर फ्रेंड्स जब इसका मतलब शेड्यूल आएगा कि इतनी इतनी से तारीख से यह मतलब कि एग्जाम हो रहा है फ्रेंड्स, तब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, ऐसा मत करिएगा। अगर से आपको अगर एसएससी जेडी फ्रेंड्स कांस्टेबल की आपको पोस्ट लेना है तो आज से और अभी से फ्रेंड्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग फ्रेंड्स इस बार दी गई है, और जो भी फ्रेंड्स जय माता दी वाले होते थे, बस जय माता दी वाले थे, इस बार फ्रेंड्स पूरे के पूरे निपट जाएंगे। आप फ्रेंड्स अगर से तैयारी करें तो अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग फ्रेंड्स अच्छे अच्छे की वाट लग जाती है। चलिए आप इस बात को फ्रेंड जरूर ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है इस बार। बात करता फ्रेंड कि सर रीजनिंग कहाँ से पढ़े, मैथ्स कहाँ से पढ़े फ्रेंड्स, तो रीजनिंग और मैथ्स फ्रेंड्स मैं इसी चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, आपको तो समझ में आ गया। और जीके जीएस फ्रेंड्स आपको बता दिया कि लूसेंट से पढ़ना है, या फिर फ्रेंड्स आप जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है उनसे भी फिर आप लगा लेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन एमसीक्यू, तो फ्रेंड आपकी ऑलरेडी तैयारी हो जाएगी। अब बात आती फ्रेंड कि हिंदी कहाँ से पढ़े, हिंदी कहाँ से पढ़े, तो फ्रेंड्स यूट्यूब पर एक सर है, क्या नितिन गुप्ता सर जी, तो वो फ्रेंड्स इतनी अच्छी हिंदी, वैसे तो फ्रेंड कई यूट्यूबर नहीं बताते हैं कि कहाँ से पढ़े या कहाँ से नहीं पढ़े, बट फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए फ्रेंड्स। हिंदी आपको पढ़ना है तो आप फ्रेंड्स नितिन जो गुप्ता सर है उनसे पढ़ लीजिएगा, आपकी पूरी की पूरी हिंदी में फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स की फ्रेंड्स पूरी 100% तैयारी हो जाएगी। चलिए और फ्रेंड्स यहाँ पर आई थिंक पूरी जो जानकारी है समझ में आ गई होगी। अगर से बात करते हैं फ्रेंड कि इसमें एज की, तो 18 या 23 ईयर के बीच में जो भी कैंडिडेट फ्रेंड्स होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर से फ्रेंड बात करें कि इसे 10th प्लस वाले फ्रेंड्स या 8th वाले कर सकते कि नहीं, तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ 10th प्लस वाले या फिर 10th के जो आगे है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको यह एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, वैसे तो इसमें एक ही टायर है, आपको फ्रेंड एक ही अटेम मतलब पे फोकस करना है, बाकी दूसरा अटेम नहीं होगा, इसमें केवल आपको एक ही पेपर देना है फ्रेंड्स, और एक ही पेपर में फ्रेंड्स आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और जो भी फ्रेंड्स कट ऑफ जो भी है आपका एक ही पेपर पे बनेगा। तो फ्रेंड्स आप पूरा फोकस जो है आपका अभी इस पेपर पे होना चाहिए, और फ्रेंड्स साथ साथ आप फिजिकल की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जैसे ही आपका क्वालिफाई होगा उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, फिर मेडिकल के बाद फ्रेंड्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको जॉइनिंग लेटर आएगा। डिटेल में जान लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया है सभी कैंडिडेट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बात आती है कि जैसे ही फ्रेंड्स आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको फ्रेंड्स पहली आपकी हाइट नापी जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर फ्रेंड्स अगर मेल कैंडिडेट के लिए देखिए तो 170
रखी गई है और फ्रेंड्स महिला कैंडिडेट के लिए देखा जाए तो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर से फ्रेंड्स आप हाइट का आपका मतलब हो जाता है फ्रेंड, उसके बाद आपका रनिंग स्टार्ट होगा। और फ्रेंड्स रनिंग का क्या क्राइटेरिया देख लीजिए कि मेल कैंडिडेट के लिए फ्रेंड्स 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कवर करना है और फ्रेंड्स महिला कैंडिडेट के लिए फ्रेंड्स 1.6 किलोमीटर मतलब कि 1600 मीटर फ्रेंड्स आपको 8.5 मिनट में कवर करना होगा। और फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं कि चेस्ट का, तो फ्रेंड्स यहाँ सभी मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर रखा हुआ है और फ्रेंड्स फुलाने के बाद में आपको 5 मतलब फ्रेंड्स आपका होना चाहिए, 5 फ्रेंड्स ज़्यादा होना चाहिए, जितना भी फ्रेंड्स 80 मिनिमम रखा गया है बट फ्रेंड्स फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स अगर से बात करते हैं कि इसके वेट का क्राइटेरिया क्या रखा गया, तो फ्रेंड्स मिनिमम आपका 50 होना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स आपका हाइट के अनुसार वहाँ वेट काउंट होता है बट आपका मिनिमम फ्रेंड्स 50 होना ही चाहिए। और फ्रेंड्स यह जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने SSCJD कांस्टेबल 2021 में जो पोस्ट आई फ्रेंड इसके बारे में पूरा डिटेल में फ्रेंड्स मैंने बताया। तो फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी अगर से फी की बात करें तो इसमें 100 रुपये लग रहा है फ्रेंड्स सभी कैंडिडेट के लिए, बट फ्रेंड्स महिलाओं में देखा जाए SC और ST कैटेगरी की फ्रेंड्स उनमें और एक से जो सर्विसमैन होता है फ्रेंड उनके लिए 1 रुपये नहीं लग रहा है। किन के लिए फ्रेंड्स महिलाओं में देखा जाए तो ST SCC जो फ्रेंड्स कैटेगरी की है मतलब उससे बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स उन्हें 1 रुपये नहीं लग रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। फ्रेंड्स आप यह फॉर्म को जरूर फिल करिएगा और फ्रेंड्स यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और भी लोगों तक यह वीडियो को फ्रेंड्स शेयर कीजिए कि क्या इसमें फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग है, क्या सिलेबस है, क्या इस बार का 2021 में जो SSCJD कांस्टेबल आज फ्रेंड क्या एग्जाम का शेड्यूल है। तो और फ्रेंड्स जो इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी साथ में फ्रेंड्स प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स और रीजनिंग पूरा बेसिक से सरल और आसान भाषा में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप जरूर मतलब उस कैंडिडेट के लिए तक पहुंचा दीजिए फ्रेंड्स जो भी SSCJD कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है या फिर अभी करने वाला है या फिर फ्रेंड्स जिसने फॉर्म फिल किया है। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद दोस्तों, और प्रिपरेशन आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों।